हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को लेसन 7, जिसका नाम ए मदर लव, ए माँ, एक माँ का प्यार है, उसका जो है इवन जो है बताने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू योर मदर टंग। आपको जो है निम्नलिखित को जो है मातृभाषा के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेंटेंस, तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेट किस में करना है? मातृभाषा में करना है। पहला है आई कैन नॉट सम मोर मैंगोज, मैं कुछ और आम नहीं खा सकता हूँ। मैं कुछ ज्यादा आम नहीं खा सकता हूँ। मैं जो हूँ कुछ ज्यादा आम नहीं खा सकता हूँ। दूसरा है I cannot eat any more bananas। देखिए, I cannot eat any more banana। अब मैं बिल्कुल केला नहीं खा सकता हूं। अब मैं बिल्कुल केला नहीं खा सकता हूँ। तीसरा है Are there any birds in the cage? क्या पिंजरा में चिड़िया है? क्या पिंजरा में चिड़िया है? क्वेश्चन मार्क। Are there any birds in the cage? चौथा इसका There are some birds in the cage. There are some birds in the cage. पिंजरा में कुछ चिड़िया है। पिंजरा में कुछ चिड़िया है। पांचवा है I have a few mangoes and a little milk.
ए लिटिल मिल्क। मेरे पास कुछ आम, मेरे पास कुछ आम और थोड़ा दूध है, और थोड़ा दूध है। आज जो है मैंने जो है आप लोगों को ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू योर मदरलैंड, निम्नलिखित का जो है मातृभाषा में जो है अनुवाद कर लूंगा। इसके अर्थ है अगले दिन जो है मैं आप लोगों को इटू के बताऊंगा डेट कॉल।